नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं, इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दिल्ली एनसीआर में स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों ने पेश किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित नाटक की प्रस्तुति ने खींचा लोगों का ध्यान। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में चीड़ के पत्तों से बनाई जा रही है रंग बिरंगी राखियां। रेशम के धागे, कलावा और रुद्राक्ष का इस्तेमाल से बनी इन राखियों की बाजार में है खूब मांग। लेबनन के एक गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पारंपरिक तरीकों को सहेजने का प्रयास। गांव के तीन कलाकारों ने प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला को दिलाई नई पहचान। विशेष ओलंपिक एथलीटों की सहायता के लिए शिकागो में रबड़ की बत्तखों की अनोखी दौड़ का आयोजन। 90,000 से अधिक रबड़ की बत्तखों की दौड़ से जुटाई गई 3.5 करोड़ से ज्यादा की रकम। और आइए बात करते हैं परंपरा और विरासत की। दिल्ली एनसीआर में स्वतंत्रता दिवस पर जश्न आजादी की धूम रही। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसी तरह के एक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। राजधानी नई दिल्ली के कोने कोने में जश्न आजादी की धूम रही। कई जगहों पर खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जहां एक ओर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया, तो वहीं साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित एक बेहतरीन नाटक भी प्रस्तुत किया। इस नाटक के जरिए बच्चों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के विभिन्न पहलुओं से रूबरू कराया। जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। देश भर में चले हर घर तिरंगा अभियान का भी लोग हिस्सा बने। ग्रेटर नोएडा के ढूंढेरा जेवर में स्थित गांव के सरकारी स्कूल के बच्चों और अध्यापिकाओं ने कल हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए न सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई होती है, बल्कि उन्हें अपने इतिहास को भी जानने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां चाह वहां रहा इस कहावत को सच साबित करती ये खबर देखते हैं। चीड़ के पत्तों को अक्सर वनों में आग फैलने का कारण माना जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रहने वाली संतोष सचदेवा ने इन्हीं पत्तियों का इस्तेमाल कर राखियां बनाई हैं, जिनके स्थानीय बाजारों में साल दर साल मांग बढ़ती जा रही है। शहर की निवासी संतोष
वैसे आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती आ रही हैं। उनके द्वारा चीड़ की पत्तियों से बनाई गई राखियां लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं। उनके द्वारा नैना आर्ट के नाम से एक स्वयं सहायता समूह का भी संचालन किया जा रहा है और यहां से बनने वाले नए नए उत्पाद लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। संतोष सचदेवा का कहना है कि जब उन्होंने चीड़ की पत्तियों से राखी बनाने के बारे में सोचा तो कई लोगों को विश्वास नहीं हो पाया, लेकिन आज चीड़ की पत्तियों से बनी राखियों के लिए उन्हें कई जगहों से ऑर्डर मिल रहे हैं। पाइन नीडल का आजकल हम राखियों का सीजन है तो राखियां बना रहे हैं और हमारी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। मैंने ये राखियां शिमला में और मैंने जो है कांगड़ा निफ्ट में भी भेजी और कुछ अभी बना भी रही हूँ, तो इसके साथ भी मेरे साथ बहुत सी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो ये राखियां बना रही हैं। चीड़ की पत्तियों से बनाई जा रही राखियों में रेशम के धागे, कलावा और रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाता है। संतोष के साथ इस कार्य में कई महिलाएं जुड़ी हैं जो घर पर ही ये उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रही हैं। आजकल इन्होंने पाइन नीडल्स का काम किया हुआ है जिससे आजकल हमने राखियां बनाई हैं, शीशे के कवर्स बनाए हैं, बास्केट बनाई हैं, टी कोस्टर बनाए हैं। ऐसे ये नए नए क्रिएटिव आर्ट करते रहते हैं और हमें भी सिखाते हैं और इनके इस आर्ट से बहुत सी लेडीज को फायदा हो रहा है, वो अपना रोजगार कर रही हैं। हैंड क्राफ्ट का काम करते हैं तो आजकल जैसे ये 4S डिपार्टमेंट में जाकर चील की पत्तियों को लाना, उसको बॉयल करना, ये सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये सब कुछ अपने घर में ही बनाते हैं तो हम काफ़ी लेडीज इनके साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। निश्चित तौर पर संतोष सचदेवा अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। उन्होंने न केवल अपनी सोच को मूर्त रूप दिया बल्कि कई महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का भी काम किया है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए बात आपके शहर आपके गांव की। रंग हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा होते हैं जिसमें हमें जीवन के कई उतार चढ़ाव नजर आते हैं। एक चित्रकार जब इन रंगों से कैनवस पर अपनी सोच का दरिया इंद्रधनुषीय रंगों के साथ बहाता है तो देखने वालों को एक नई दृष्टि मिलती है। ऐसी ही एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें चित्रकार भास्कर सिंघा ने दिलकश रंगों का प्रयोग कर दर्शकों को अपनी कला की ओर आकर्षित किया। एक चित्रकार जब रंगों से अपनी कला को कैनवस पर उतारता है तो देखने वाले रंगों से बातें करने लग जाते हैं और चित्र में अपनी सोच का एक नया दरिया बहा देते हैं। यही चित्रकार की सफलता होती है कि लोगों को वो एक नई सोच दे सके। एक ऐसी ही चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में, जहां चित्रकार भास्कर सिंघा ने अपनी कला को रंगों के जरिए एक ऐसी तस्वीर दी जिसे देख शांति का एहसास हुआ। आपकी जो इंस्पिरेशन है वो आपको कहां से मिलती है? प्रकृति से, सराउंडिंग, जो इंस्पिरेशन सराउंडिंग से मिलता है, आसपास से मिलता है मुझे। कहा जाता है कि एक रंगरेज इतने सारे रंगों का इस्तेमाल करता है और इसमें कहीं ना कहीं प्रेम का जो रंग होता है जिसे कभी छुपाया नहीं जा सकता, हर एक इंसान उसमें महसूस करता है रंगों को। तो आपको कब ऐसा लगा कि मुझे इन खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे एक चित्रकार बनना चाहिए, कब आपको महसूस हुआ? नहीं, बचपन से मेरे मम्मी आर्टिस्ट हैं, मुझे अल्पना डिजाइनर बंगाल के थ्रू से, तो मैं देखते थे, अल्पना देते थे, डिजाइन करते थे, तो मैं देखा अरे मम्मी तो ये बड़ा कलाकार है। फिर मैं पता नहीं कब से शुरू किया, लेकिन हाँ मुझे सेकंड क्लास का ड्राइंग मेरे पास है, तब से आर्टिस्ट बनना मुझे इतनी नहीं, लेकिन अपना अपना नेचुरली हो गया। इस कला प्रदर्शनी में भारतीय नृत्यांगना शोभना नारायण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कहा कि एक कलाकार अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को अपनी कला ही के माध्यम से संरक्षित कर अपना योगदान दे सकता है। आप एक कैनवस या पत्थर या किसी चीज पर आप एक चित्र खींच रहे, लेकिन किस चीज की? जीवन की, मनोदशाओं की, हर एक जीवन के हर एक पहलू के, जो कि अनुभूति है, उसकी आपकी सोच है, आपके सोच विचार सभी उस
चित्रकला में अंकित हो जाती है, दर्ज हो जाती है। और इसी तरह से नृत्य कला एकदम चित्रकला की तरह है, क्योंकि चित्रकला किसी माध्यम के प्रति कर रही है और हम लोग स्पेस में कर रहे हैं। ये पूरा आकाश मेरा ये कैनवस है और हम उस पर कर रहे हैं। तो दोनों ही कलाएं जीवन का एक अभिन्न अंग है और हमेशा था, है और रहेगा। किसी भी देश के विकास में कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये साझा दृष्टिकोण, मूल्य, प्रथा एक निश्चित लक्ष्य को दिखाता है। और एक कलाकार जब अपनी कलाओं के जरिए पूजी और रंगों से बात करता है तो समाज में संस्कृति और रचनात्मकता का समावेश होता है। भास्कर जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो हमारे रोज की जिंदगी है उसमें से एक ब्रेक दिया है और हमें वाकई ही पीस शब्द का मतलब समझ आता है। उनका आर्ट फॉर्म भी बहुत खूबसूरत है। इस कला प्रदर्शनी में भास्कर जी ने अपनी कला के माध्यम से शांति, प्रेम और पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया। लाल, पीला, हरा, गुलाबी, हर रंग हमसे कुछ कहना चाहता है। और जब भी हम रंगों की बात करते हैं तब हमें एक ऐसा संसार नजर आता है जहां प्रेम ही प्रेम होता है। और यकीन मानिए, एक चित्रकार अपनी सोच से और अपने रंगों के माध्यम से हमें एक ऐसा खुला आसमान देता है जहां एक नई सोच का आगाज होता है। कहा जा सकता है कि भारत अपने विभिन्न संस्कृतियों और कला के लिए जाना जाता है और चित्रकारी एक ऐसी कला है जिसमें खूबसूरत रंगों से कहा जा सकता है कि हर रंग में जो रम जाए, जिसका रंग कभी न जाए, प्रेम का रंग वही कहलाए। रेशमा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर हटकर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। 20,000 10 ओके दोनों नो नो 10 का एक इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम UPI भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस UPI। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका UPI नंबर। और अब किसी भी पेमेंट ऐप से कोई भी पेमेंट ऐप पर UPI चलेगा। और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा संबंध है। देश में शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में हर दिन प्रगति देखने को मिल रही है। चेन्नई के लेदर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आम के गूदे से चमड़े जैसी सामग्री बनाने में सफलता हासिल की है। ये नई सामग्री 50% आम के गूदे और बायोपॉलीमर के मिश्रण से बनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो ये पर्यावरण के अनुकूल है और साथ ही ये सिंथेटिक चमड़े का एक बेहतर विकल्प भी है। कल्पना कीजिए बगैर चमड़े से बने बेल्ट की, पर्स की, चौंक गए ना, क्योंकि बाजार में ऐसा उत्पाद आ गया है जो दिखता तो बिल्कुल चमड़े जैसा है लेकिन असल में चमड़ा नहीं है। ये कमाल कर दिखाया है चेन्नई के लेदर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI ने। चेन्नई के लेदर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आम के गुदे से चमड़े जैसी सामग्री को बनाने में सफलता हासिल की है। आम उत्पादन में भारत की गिनती दुनिया के चुनिंदा देशों में होती है, लेकिन फिर भी किसानों को हर साल 40% आम बगीचों में ही मजबूरी में छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो आम गुणवत्ता और मानकों की कसौटियों पर 100% खरे नहीं उतरते। CLRI वैज्ञानिकों ने एक पेटेंट के लिए पंजीकरण कराया है और मुंबई स्थित स्टार्टअप अमाती ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड को प्रौद्योगिकी का लाइसेंस दिया है। खास बात यह है कि अमाती ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड ने इस नई सामग्री की खोज में किसानों की और संस्थान की अनुसंधान और विकास में बहुत सहायता की है। हम लोग ने सोचा कि क्यों ना एग्रीकल्चरल वेस्ट को एक बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में लेदर के मटेरियल में बनाया जा सके, ताकि इसका फायदा किसानों को भी हो और एक अल्टरनेटिव लेदर इंडस्ट्री भी खड़ी हो। यह नई सामग्री 50% आम के गुदे और बायोपॉलीमर के मिश्रण से बनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह
पर्यावरण के अनुकूल है और साथ ही ये सिंथेटिक चमड़े का एक बेहतर विकल्प भी है। ये नई सामग्री पॉलीयूरेथेन चमड़े की तुलना में बहुत तेजी से नष्ट हो जाती है और इसकी निर्माण लागत सिंथेटिक चमड़े की मौजूदा कीमत से लगभग 60% कम है, यानी चित भी अपनी और पट भी। We kick-started our efforts some 3 years back, and with our own funding, we started making leather-like materials from variety of agro waste. Say, for example, we started our research with rice straw, wheat straw, sorghum straw. Even Indian grass we try to use as a raw material, and then we try to develop leather-like material. And also we try to use some fruit and vegetable waste like mango peel, pineapple peels, orange peel, etc. And in that journey we were successful in developing a technology for straw-based material. फिलहाल आम आधारित चमड़े जैसी सामग्री का उत्पादन सिर्फ नीदरलैंड में होता है। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और नई तकनीक के विकास की देश में अपार और असीम संभावनाएं मौजूद हैं। जरूरत है ऐसी नई टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने की, निवेश के लिए उचित व्यवस्था करने की, जिससे कि ये उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे दुनिया के लिए ये बहुत छोटी मगर साहसिक पहल है। इससे देश का विकास तो सुनिश्चित होगा ही, साथ ही ये किसानों और युवाओं को रोजगार का एक नया विकल्प भी उपलब्ध करवाएगा। रितेश रंजन, डीडी न्यूज, चेन्नई। और अब सात समंदर पार की दुनिया। कला एक व्यक्ति को कलाकार बनने का मौका देती है। इस तरह कोई भी कलाकार अपनी कला को सदियों तक जिंदा रखने का काम करता है। कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों देखने को मिल रहा है लेबनन के छोटे से गांव रशाया अल फखर में। यहां शिल्प कलाकार अपनी कला को जिंदा रखने की कोशिश में लगे हैं। इस सुंदर से गांव का नाम है रशाया अल फखर। मिलिए यहाँ के कुछ प्रमुख कारीगरों से जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। वो इस गांव के आखिरी चंद कारीगरों में से एक हैं। इस छोटे से लेबनानी गांव का नाम आर्टिशनल पॉटरी वर्कशॉप से लिया गया है, जिसके लिए यह गांव काफी प्रसिद्ध था। पीढ़ियों से यह कला पारंपरिक शिल्प निवासियों के बीच आम थी, जो अपने शहर की उपज पर गर्व करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में दशक के कई संघर्षों, जिनमें 1975 का सिविल वॉर, उसके बाद दक्षिण में इजराइल के साथ संघर्ष और आर्थिक उथल पुथल शामिल हैं, जिसका रशाया अल फखर और इसके प्रसिद्ध शिल्प कला पर काफी असर देखने को मिला है। 1960 के दशक के दौरान यहाँ लगभग 80 कारखाने थे जो बड़ी मात्रा में उत्पादन करते थे। उन्होंने आगे कहा कि हम यहाँ गांव में आखिरी 3 मिट्टी के बर्तन बनाने वाले ही बचे हैं, लेकिन खलील इस शिल्प कला को जीवित रखने पर अड़े हुए हैं और कठिन चुनौतियों के बावजूद भी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग ही करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का तिरंगे वाला अंदाज दिखा। मंगलवार की रात ये इमारत तिरंगे के रंगों के सरिया, सफेद और गहरे रंग की रोशनी से जगमगा उठी। बता दें कि दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा 823 मीटर ऊंची है। और खेल खेल में क्या कुछ है अलग, आइए देखते हैं। शिकागो में विशेष ओलंपिक एथलीटों के लिए धन जुटाने के मकसद से रबर की बत्तखों की दौड़ का आयोजन किया गया। 90,000 से अधिक पीली रबर की बत्तखों को नदी में उतारा गया। साल में एक बार होने वाले इस आयोजन की एक झलक पाने के लिए हजारों दर्शक शिकागो रिवर वॉक पर इकट्ठा हुए। इस वर्ष के आयोजन ने लगभग 30,000 विशेष ओलंपिक एथलीटों की सहायता के लिए रिकॉर्ड 3.5 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई है। शिकागो के रिवर वॉक में लोग एक अनोखी दौड़ देखने के लिए जुटे हैं। ये दौड़ है पीली बतकों की, जो असली नहीं बल्कि रबर की बनी है। और ये देखिए कैसे इन बतकों को नदी में उतारा गया। 90,000 से अधिक पीली रबर की बत्तखों के पानी में उतरते ही लोगों का उत्साह दोगुना हो गया।
पानी की फुहारों की मदद से इन बतखों को फिनिश लाइन तक की रोमांचक दौड़ लगानी होती है। साल में एक बार होने वाले इस आयोजन में शामिल होने के लिए हजारों दर्शक शिकागो रिवर वॉक पर कतार में खड़े रहे। दरअसल शिकागो में लगभग 30,000 विशेष ओलंपिक एथलीट्स की मदद के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से हर वर्ष इस दौड़ का आयोजन किया जाता है। इस दौरान बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। यहाँ आप कुछ तयशुदा फीस के साथ अपनी पसंदीदा पीली रबर की बतखों को गोद ले सकते हैं, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और वो बतख जीत गई तो इनाम आपका। बतख गोद लेने का मकसद पुरस्कार जीतना ही नहीं बल्कि एक महान उद्देश्य के लिए दान करना भी है। यहाँ आए बच्चों ने अपनी अपनी बतखों को ले लिया था और उनको आगे निकलता देख खुशी से चिल्ला रहे थे। अपने परिवार के साथ शिकागो आए न्यूजर्सी के फराज ने एक बतख को गोद लिया जिसका नाम उन्होंने स्पॉन्ज बॉब रखा है। मैंने पहले कभी इतनी सारी रबर बत्तखें नहीं देखी हैं। मैं यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ। मुझे उम्मीद है मैं जीतूंगा क्योंकि मैं वास्तव में एक कार चाहता हूँ। वही शिकागो की 16 वर्षीय एमिली पहली बार डक रेस में हिस्सा लेने पहुंची और एमिली ने 6 बतखें गोद ली। हमने यहाँ 6 बतखें गोद ली हैं। शिकागो में रहने के बावजूद मैं पहली बार डक रेस देखने पहुँची हूँ। लोगों की भीड़ से आयोजक बेहद उत्साहित थे क्योंकि इस वर्ष के आयोजन ने लगभग 30,000 विशेष ओलंपिक एथलीट्स की सहायता के लिए 3.5 करोड़ से ज्यादा की रिकॉर्ड रकम जुटाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब चलते चलते खबर हट करके इस अंक में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की झलकियों के साथ, जहां आसमान रंग बिरंगी पतंगों से ढक गया है।